देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। इन दिनों अधिकांश स्कूलों में वार्षिक उत्सव का दौर चल रहा है। सिकड़ी में उड़ान द सेवन हैबिट्स फाउंडेशन स्कूल के 15वें वार्षिक उत्सव का आयोजन आरएनटी मार्ग स्थित रविन्द्र नाट्य गृह में किया गया। आयोजन में विद्यार्थियों के साथ उनके पालकों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. गजेंद्र सिंह पटेल, गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट जूही भार्गव, उड़ान एजुकेशन के अध्यक्ष मुकेश हजेला, संयुक्त सचिव श्रीमती वसंत जौहरी, कोषाध्यक्ष श्रीमती सोनिया हजेला, श्रीमती विधि हजेला गुप्ता, सुदीप्ति हजेला, सोनेश सूद, संजय मिश्रा, महेंद्र गुप्ता, वाजिद खान शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधि पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी के वेश में श्रोताओं को अमृतकाल के महत्व और हमारे 5 विकासात्मक लक्ष्यों के बारे में बताते हुए प्रस्तुति दी। साथ ही उड़ान नाइट्स में छोटे बच्चों ने भारत की उपलब्धियों और सपनों पर प्रकाश डालते हुए अपने विभिन्न नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं स्किट और नुक्कड़ नाटक ने नए भारत के लिए बदलती मानसिकता को दर्शाया। भारतीय विरासत नागरिकों के कर्तव्यों, भारत के मजबूत भविष्य को चित्रित करने वाले नृत्य प्रदर्शन को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। वार्षिक उत्सव में 216 बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। स्कूल की कोषाध्यक्ष श्रीमती सोनिया अजेला ने बताया, स्कूल हर बच्चे को पंख देने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे उड़ सकें और स्वतंत्र रूप से मानव लोकाचार कौशल और आदतों के मजबूत आधार द्वारा समर्थित खुशी की अपनी दुनिया बना सकें। हैबिट फाउंडेशन स्कूल वर्ष 2009 में हमने प्रारंभ किया था और आज बहुत गर्व प्रतीत होता है। आज हम स्कूल का 15वां वार्षिक प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम की थीम हमारी है पंच प्रण, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक संदेश दिया गया है कि किस तरह से पंच प्रण के द्वारा हम अपने इन भारत का विकास कर सकते हैं। हमारे इन नन्हे मुन्नों का भी उसमें कुछ छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें हम इन लोगों के सामाजिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास, हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं के अनुभव के माध्यम से ये बच्चे कुछ नया सीखेंगे। और कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इसी तरह से इन लोगों का भी जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, छोटी छोटी जो सीख है, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा पा रहे हैं कि कचरा आपको डस्टबिन में फेंकना है, आपको बाएं तरफ चलना है, आपको सिग्नल्स को फॉलो करना है, तो इस तरह से हम उनमें नागरिकता का उद्बोधन कर रहे हैं। तो यही एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि साक्षरता के साथ में बच्चों को शिक्षित करने में मदद करेंगी। तो उड़ान का यही उद्देश्य है कि किस तरह से छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा एक बड़े प्रयास का जो है साथ दिया जाए और सबका साथ, सभी देशवासियों का और सभी जो हमारे बच्चों का है, एक ऐसा विकास हो जहाँ पर बच्चे भी अपने आप को एक पार्टिसिपेंट फील करें, उन्हें भी लगे कि हाँ ये एक उनका अपने देश के साथ में एसोसिएशन होना चाहिए। स्कूल कहाँ पर स्थित है और कौन सी क्लास तक संचालित है? यह स्कूल स्कीम नंबर 114 में स्थित है और अभी ये स्कूल कक्षा 8 तक संचालित किया जा रहा है। आज यहाँ पर 216 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि गत 15 वर्षों से हम जो है रेंटेड प्रमाइसेस में स्कूल रन कर रहे थे, पर अब हमारा इस साल नया बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है और अगला जो सेशन 2023-24 का है, वहाँ हम विद्यालय का संचालन नए सत्र में नए प्रमाइसेस से करेंगे।